डियर स्टूडेंट्स, युवाम की हाई लेवल वोकैबुलरी यानी एडवांस्ड वर्ड्स की ये जो क्लास है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ, क्लैट, कैट के लिए यूजफुल हैं, उनको हम लोग सीखेंगे। अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर ने एक शब्द था मिस्टीरियस, आपने निश्चित रूप से ये शब्द सुना होगा मिस्टीरियस। और यह शब्द था कि बिहार में अभी कुछ बच्चों की डेथ हो गई बहुत ही मिस्टीरियस सरकमस्टेंसेस में, तो ऑल द डेथ्स वर वेरी मिस्टीरियस एंड द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मिस्टीरियस डेथ्स एट द हॉस्पिटल इन बिहार। तो उसी में यानी जो रहस्यमयी मौत हुई कुछ बच्चों की बिहार के एक अस्पताल में, तो उस मिस्टीरियस से संबंधित और नियर सिमिलर वर्ड, हो सकता है एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं हो लेकिन उसे मिलते जुलते कुछ शब्द जो अलग अलग सिचुएशन में यूज किए जाते हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आप एक नज़र से इन सभी शब्दों को देखें और यदि आपने एसएससी सीडीएस के प्रीवियस पेपर सॉल्व किए हैं तो आप खुद पाएंगे कि इनमें से लगभग सभी शब्द कभी न कभी एसएससी में, सीडीएस में या किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनमें से ये शब्द पूछे जाने के निश्चित रूप से इसके चांस हैं। तो मिस्टीरियस, अकल्ट, आर्कैन, इम्पेनिट्रेबल, रेकंडाइट, एनिग्मेटिक, ऑब्स्क्योर, एब्स्ट्यूज, क्रिप्टिक एंड एसेटेरिक, ये शब्द बहुत पूछे जा चुके हैं पहले। और ये सबके सब मिस्टीरियस आप सब लोग जानते हैं, सुना हुआ है, बहुत बेसिक लेवल शब्द है। तो ये शब्द मेरे न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद जो मैं वो सेंटेंस आपको बता दूं, यहां पर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, जो मिस्टीरियस शब्द है इसको यहां पे ध्यान से देखिए। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मिस्टीरियस डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन एट द हॉस्पिटल इन बिहार। यह हाल ही की घटना है कि बिहार के एक अस्पताल में बहुत सी बच्चों की रहस्यमयी मौत हो गई जिसकी कि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो यहां पर मिस्टीरियस डेथ्स, इसी को मैंने आधार बनाया है आज के ये सभी शब्द। मिस्टीरियस का मतलब है कि डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड, कि समझने में जो बहुत ही मुश्किल है और जिसको एक्सप्लेन भी किया जाना मुश्किल है। तो पहला सेंटेंस आप समझ गए होंगे कि बिहार के एक अस्पताल में जो बच्चों की मिस्टीरियस डेथ हुई, पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है। एक सेंटेंस और देखिए, हिज वाइफ डाइड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेज, कि उसके पत्नी की मृत्यु बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई। सो सर्कमस्टेंसेज कैसे थे? मिस्टीरियस थे। इसका दूसरा मीनिंग है कि जब लोगों के बारे में हम कहना चाहते हैं कि वो लोग स्ट्रेंज है, मीन्स स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग बिकॉज वी नो वेरी लिटिल अबाउट देम, कि जब हम लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं तो लोग कुछ बड़े ही विचित्र और स्ट्रेंज होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो हालांकि ये लोगों के बारे में, और जब लोगों को आप स्ट्रेंज कहते हैं तो इसके सिमिलर वर्ड में कुछ अलग तरीके के शब्द हो सकते हैं, जैसे कि वियर्ड एक बहुत अच्छा शब्द है और इसका एक अलग से वीडियो आपको मिलेगा, अनकैनी भी आप कह सकते हैं उसको। तो स्थितियां भी बड़ी मुश्किल है जिसको समझ पाना। यहां पर हम जो मीनिंग ले रहे हैं या इस मिस्टीरियस का जो मीनिंग है वह होता है रहस्यमयी, गूढ़, जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है, जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस गूढ़ और रहस्यमयी चीजों के लिए मिस्टीरियस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी से संबंधित सिनोनिम और सिमिलर वर्ड हम लोग यहां पर समझते हैं। एक शब्द है अकल्ट, पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिए, अकल्ट नॉट ऑक्यूल्ट, दिस इज अकल्ट। ये जादू टोना से संबंधित होता है, जो तंत्र मंत्र जो लोग विद्या करते हैं, एक तो उससे संबंधित इसका मीनिंग है। दूसरा है जो बहुत ही गूढ़ है, रहस्यमय है, जिसको समझना मुश्किल है, उसको भी हम लोग अकल्ट कहते हैं। तो पहला मीनिंग है कनेक्टेड विद द नॉलेज एंड स्टडी ऑफ सुपर नेचुरल और मैजिकल फोर्सेज, यानी जो जादू टोना है, जो तंत्र मंत्र की विद्या का जो अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, उसे अकल्ट कहते हैं। सेंटेंस देखिए, ही क्लेम्स टू हैव सम अकल्ट पावर्स बेस्टाउड अपॉन हिम बाय सम मिस्टीरियस स्पिरिट, कि वह ऐसा दावा करता है कि किसी रहस्यमयी आत्मा के द्वारा
उसे कुछ तंत्र मंत्र की जो शक्ति है उसको दी गई है, उस पर बेस्टोर्ड अपॉन की गई है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपको आ गए, यहाँ पर अकल्ट पावर्स आ गया, साथ में मिस्टीरियस जो रहस्यमय जो अभी अभी मैंने बताया वो भी शब्द आ गया। दूसरा मीनिंग है मैजिकल एंड मिस्टीरियस। ये मिस्टीरियस का सिनोनिम गुड या रहस्यमयी, इसको रहस्यमयी कर लिए, टाइपिंग में रह रहा है रहस्यमयी। और साथ में अकल्ट शब्द भी, जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित शब्द। आइए अगला सिनोनिम हम देखते हैं, और यह शब्द है इम्पेनिट्रेबल। सो इम्पेनिट्रेबल एक एडजेक्टिव है, दो इसकी मीनिंग है। पहला मीनिंग है, और ये ध्यान दीजिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में काफी पूछा जा चुका है। पहला वाला मीनिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, पहला मीनिंग है इम्पॉसिबल टू एंटर, गेट इन टू, गेट थ्रू और सी थ्रू। जैसे कोई बहुत किला बना हुआ, किला फोर्ट जैसे कहना चाहिए, उस फोर्ट को भेद पाना मुश्किल होता है, इतनी मोटी मोटी उसकी वॉल बनी हुई है। जैसे कुंभलगढ़, जिसको कि मुगल भेद नहीं पाए थे, तोड़ नहीं पाए थे, तो ये इम्पेनिट्रेबल का मतलब है जिसको भेद नहीं सकते, जिसको तोड़ नहीं जा सकते, जो अभेद्य है, जिसे भेदा न जा सके। सो एसएससी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी पूछा जाता है। सेंटेंस देखिए, द वॉल्स एंड डिफेंसेज ऑफ द फोर्ट वर थॉट टू बी इम्पेनिट्रेबल, कि किले की जो दीवारें हैं और जो रक्षात्मक चीजें जो वहां बनी हुई हैं उन्हें क्या माना जाता है, वो अजेय हैं, अभेद्य हैं, उनको भेदा नहीं जा सकता, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। और नेक्स्ट सेंटेंस है, आउट ऑफ द रोड देयर वॉज थिक एंड इम्पेनिट्रेबल फॉग। आउट ऑन द रोड की सड़क पर इतना ज्यादा घना और अभेद्य कोहरा था, यानी उस कोहरे में से कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। ये तो वह एक मीनिंग। सेकंड देखिए, वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, कि जिसे समझना बहुत मुश्किल है, वो मिस्टीरियस है, जटिल है, गूड है, समझने में कठिन है, दुर्गम है, तो इसे भी कह सकते हैं, यानी इनकॉम्प्रिहेंसिबल। मीनिंग देखिए, सम ऑफ द रूल्स ऑफ साइंस आर इम्पेनिट्रेबल, कि साइंस के कुछ रूल ऐसे हैं जिन्हें जो समझने में बहुत मुश्किल है, समझने में बहुत कठिन है। और नेक्स्ट देखिए, हर डेथ इज एन इम्पेनिट्रेबल मिस्ट्री। इसको मिस्ट्री की लीजिएगा, टाइपिंग में यह गलती रह गई है, मिस्ट्री, कि जो उसकी मृत्यु है वो बहुत ही इम्पेनिट्रेबल, यानी ऐसा रहस्य जिसे भेदा समझा नहीं जा सकता। तो यहां पर यह मिस्टीरियस से रिलेटेड शब्द है, कोई चीज रहस्यमय है, गूढ़ है, समझने में बहुत मुश्किल है, इसलिए हम उसको मिस्टीरियस मानते हैं। ठीक, आइए अगला शब्द आपके सामने, एनिग्मेटिक। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी हो सकता है। सेंटेंस है मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी जो रहस्यमय है और जिसे समझने में बहुत मुश्किल है, रहस्यमय और जटिल, समझने में कठिन। सेंटेंस देखिए, द मोनालिसा, मोनालिसा एक पेंटिंग का नाम है, द मोनालिसा हैज अ फेमसली एनिग्मेटिक स्माइल, कि जो मोनालिसा की जो मुस्कुराहट है वो बहुत ही ज्यादा गूढ़ है, रहस्यमयी है, उसको समझ नहीं पाते हैं। सेकंड सेंटेंस, शी ऑलवेज हैज एनिग्मेटिक एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, कि वह हमेशा अपने चेहरे पर बहुत ही रहस्यमयी भाव विंगमा रखती है, यानी उसके चेहरे पे जो भाव है वो कैसे होते हैं, एनिग्मेटिक होते हैं, जिसे कोई समझ नहीं सकता कि आखिर उसके मन में क्या बात चल रही है, उसके दिमाग में क्या बात घूम रही है। तो चेहरे के जो एक्सप्रेशन वो कैसे हैं, एनिग्मेटिक है, यानी मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो बहुत अच्छा शब्द है एनिग्मेटिक। ठीक, आइए इसी एनिग्मेटिक यानी मिस्टीरियस से संबंधित अन्य शब्द, और एक शब्द एब्स्ट्रूस जो कई बार एग्जाम में पहले भी आ चुका है, मीनिंग है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी जो गूढ़ है, कठिन है, जटिल है, जिसे समझा नहीं जा सकता। सेंटेंस, आई ऑलवेज फाइंड हर आर्ग्यूमेंट एब्स्ट्रूस, कि उसकी जो तर्क होते हैं, जो उसके बहस होते हैं, यहां पर जो तर्क से संबंधित है, उसके तर्क जो होते हैं कैसे होते हैं, एब्स्ट्रूस होते हैं, जिसे समझना बड़ा मुश्किल है, जो बड़े मिस्टीरियस है, गूढ़ है, जटिल है। सेकेंड सेंटेंस,
I totally failed to understand the abstruse theory. इसका प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिए. अधिकांश लोग इसे सामान्य बोलचाल में थ्योरी बोल देते हैं. इट्स नॉट थ्योरी, इट्स थियरी. अगर कुछ ऐसे शब्द जो मुझे लगता है कि अधिकांश विद्यार्थी गलत बोलते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपको उसका सही प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगा. सो दिस इज थियरी, नॉट थ्योरी. सो आई टोटली फेल्ड टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रूज थियरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टीन. कि आइंस्टीन के द्वारा जो रिलेटिविटी की जो सिद्धांत दिए गए थे, जो थियरी दी गई थी, वह थियरी कैसी थी? वो बहुत ही एब्स्ट्रूज थियरी थी, बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही गूढ़, जटिल थियरी थी. मैं उसको समझने में असफल रहा, पूरी तरीके से असफल हो गया, मैं समझ नहीं सका. कौन सी थियरी? गिवन बाय आइंस्टीन रिलेटिविटी की जो थियरी थी. सो एक तो प्रोनंसिएशन सही सीखा, साथ में आपने सीखा एब्स्ट्रूज. ध्यान दीजिए, बहुत से टीचर्स प्रोनंसिएशन पे ध्यान नहीं देते हैं और आप उनसे पढ़ते हैं. जैसे कि मैंने अभी भी कहा, सिनोनिम एंटोनिम बहुत से टीचर्स बोलते हैं, जबकि ये होता है सिनोनिम एंटोनिम. ओ एम ए प्रोनाउंस किया जाता है, तो इट्स नॉट सिनोनिम, इट्स सिनोनिम. इट्स नॉट एंटोनिम, इट्स एंटोनिम. क्लियर? ओके. सो थियरी. आइए नेक्स्ट. एक शब्द है एसेटेरिक, नॉट एसोटेरिक. ये ओ बी ए है, एसेटेरिक. जैसे कुछ ग्रामर के रूल समझने में बहुत कठिन है. क्लियर? तो इसलिए मैंने एक सेंटेंस भी लिखा है यहां पर, अभी मैं आपको बताता हूं. मीनिंग है अंडरस्टूड और लाइक्ड ओनली बाय ए फ्यू पीपल विद स्पेशल नॉलेज या हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना बहुत कठिन है, या फिर उन्हीं लोगों द्वारा समझा जाता है या उन्हीं लोगों द्वारा पसंद किया जाता है जिनमें कुछ स्पेशल नॉलेज होती है. इसका मतलब वो रूल बहुत कठिन है. तो किनके द्वारा? कुछ स्पेशल नॉलेज से ही वो चीज़ें, जो कुछ ऐसे लोग जिनमें स्पेशल नॉलेज है, उनके द्वारा ही उसे समझा जाता है. सो अंडरस्टूड और लाइक्ड ओनली बाई ए फ्यू पीपल विद स्पेशल नॉलेज या हार्ड टू अंडरस्टैंड. मीनिंग देखिए, हिंदी में तो आप पढ़ी लेंगे, गूढ़, जटिल, गहन. ऑल द एसेटेरिक रूल्स ऑफ ग्रामर हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. कि ग्रामर के जो कठिन जटिल रूल हैं, उन्हें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी इज सच एन एसेटेरिक सब्जेक्ट that most people are content to leave it to the elders. कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा कठिन विषय है जिसे अधिकांश लोग कल छोड़ दिया तो बड़े बुजुर्गों का ही सब्जेक्ट है, उनकी तरफ छोड़कर संतुष्ट हो जाते हैं. तो एक तरीके से एसेटेरिक बहुत अच्छा शब्द है. तो एक तो ऐसी कोई चीज जो केवल स्पेशली कोई विशेष ज्ञान हो कुछ लोगों को, उनके द्वारा ही वो समझा जा सकता है, उनके द्वारा उसे पसंद किया जाता है, क्योंकि वो समझने में बहुत कठिन होता है. तो ग्रामर के रूल भी कुछ एसेटेरिक रूल्स होते हैं. अगला शब्द है आर्केन, और ये डायरेक्टली मिस्टीरियस का सिनोनिम है, यानी सीक्रेट एंड मिस्टीरियस, नॉन और अंडरस्टूड ओनली बाय ए फ्यू पीपल. कि केवल बहुत ही थोड़े लोगों द्वारा इसे जाना या समझा जाता है. ये सिनोनिम के रूप में आर्केन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एब्स्ट्रूज एंड एसेटेरिक, इसलिए मैंने यहां पर स्पेसिफिकली इसके सिनोनिम दिए हैं. सेंटेंस देखिए दो हैं. ही इज द ओनली एडवोकेट, नॉट एडवोकेट. ही इज द ओनली एडवोकेट दैट अंडरस्टैंड्स ऑल द आर्केन डिटेल्स ऑफ लीगल प्रोसीजर्स ऑफ मर्डर केसेस. कि जो मर्डर केसेस के जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, ये केवल जो उसके जो आर्केन डिटेल्स, जटिल, जो कठिन, जो बहुत ही रहस्यमयी जैसी डिटेल, यानी रहस्यमयी तो नहीं कह सकते पर बहुत ही कठिन कह सकते हैं, जो डिटेल है उनके द्वारा, एडवोकेट द्वारा, बहुत ही कम लोगों द्वारा समझा जाता है. और लास्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकल रूल्स सीम आर्केन टू दोज स्टूडेंट हु आर नॉट टॉट ग्रामर इन फर्स्ट प्लेस.
कि जिन्हें शुरुआत में यानी ग्रामेटिकल रूल्स उन लोगों के लिए बहुत ही कठिन जटिल गूढ़ होते, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें शुरुआत में ग्रामर नहीं पढ़ाई गई। निश्चित रूप से अगर ग्रामर आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई गई तो अब ये ग्रामर के रूल आपको बहुत जटिल लगते होंगे, बहुत कठिन लगते होंगे। इवन दीज वर्ड्स आर ऑल्सो, कहना चाहिए कि जो शब्द हैं जिनके पीछे कुछ छिपी हुई चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक, तो अगला शब्द मिस्टीरियस, रहस्यमय, गूढ़, जटिल। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो मिस्टीरियस रहस्यमय है, और जो रहस्यमय चीज़ होगी उसे बहुत कम लोगों द्वारा समझा जाता है, तो वो बहुत ही गूढ़ हो जाता है, जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है। अगला शब्द है बहुत अच्छा, रेकंडाइट। पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, वहां इसका सिनोनिम के रूप में दिया हुआ था ऑब्स्क्यूअर। ठीक है, तो रेकंडाइट, नॉट रिकॉन्डाइट, प्रोनंसिएशन पे ध्यान दें, रेकंडाइट। और ये सभी एडजेक्टिव हैं जो हम लोग सीख रहे हैं, नॉट नोन अबाउट और अंडरस्टूड बाई मैनी पीपल, कि जिसके बारे में बहुत लोगों द्वारा न तो समझा जाता है उसको, नहीं बहुत लोगों द्वारा उसे जाना जाता है। अल्टीमेटली वो क्या है, छिपी हुई बात है, ढकी हुई है वो चीज, क्योंकि बहुत से लोगों द्वारा उसे नहीं समझा जाता है, नहीं जाना जाता है। तो ऑब्स्क्योर, जटिल, गूढ़, रहस्यमय। सेंटेंस देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज ए रेकंडाइट सब्जेक्ट। ज्योतिष शास्त्र, जो वस्त्रकार, जो आपके जो हॉरोस्कोप देखते हैं, जन्म कुंडली जो देखते हैं, वह एक बहुत ही जटिल गूढ़ विषय है, हर कोई नहीं समझ सकता उसको, हर कोई नहीं जान सकता उसको। नेक्स्ट सेंटेंस, सिंस आई हैव नॉट स्टडीड मेडिकल साइंस, चूंकि मैंने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रेकंडाइट टर्म्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट के जो बहुत ही कठिन जटिल जो टर्म्स होते हैं, रेकंडाइट टर्म्स जो हैं, उन्हें मैं समझ नहीं पाता हूँ चूंकि मैंने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है। तो बहुत ही, देखिए शब्दों को याद रखने का तरीका तो यही है कि आप सेंटेंसेस में उनको देखिए, और जो शब्द मैं बता रहा हूं मत मानिए कि आपको सारे एक बार में याद हो जाएंगे, नो, बस आपको ये जरूर करना है कि इन शब्दों को रीराइट भी करते चलना है। रीराइट से मेरा तात्पर्य है कि अभी मिस्टीरियस से संबंधित सारे शब्द उस ग्रुप में एक जगह पर लिख लीजिए, साथ में इस वीडियो को बार बार देखें, साथ में जो युवाम की हाई लेवल वोकैबुलरी की जो बुक है ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको पढ़े। ये अल्फाबेटिकली अधिकांश शब्द इसमें दिए हुए हैं, क्लियर। और यदि आप ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट हैं युवाम के, तो इन सभी शब्दों की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये सारे शब्द, उनके एग्जांपल्स, हिंदी इंग्लिश में मीनिंग, उनके सिनोनिम आपको ये मिलेंगे। ठीक, आइए अगला शब्द, और यह शब्द है ऑब्स्क्यूर। इसके अलग अलग मीनिंग है। देखिए पहला है अनक्लियर टू सी और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो धुंधला है, जिसे देखा नहीं जा सकता, एक तो यह, साथ में समझने में कठिन है, दोनों चीजें हो गई ना, गूढ़ हो गया तो धुंधला भी हो गया, अस्पष्ट भी हो गया, जैसे समझ नहीं सकते वो भी हो गया, क्योंकि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड का मीनिंग है गूढ़, इसलिए आप यहां पर जटिल और गूढ़ भी लिख लीजिए, गूढ़ या जटिल, सॉरी जटिल। दूसरा मीनिंग है नॉट नॉन टू मोस्ट पीपल, जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते, इट मीन्स वो गुमनाम है, अप्रसिद्ध है। सेंटेंस देखिए, द मैनेजर हैज चेंज्ड द होल प्रोग्राम फॉर रीजंस दैट रिमेन ऑब्स्क्योर, कि मैनेजर ने पूरा कार्यक्रम ही बदल दिया, फॉर रीजंस दैट रिमेन ऑब्स्क्योर, बिना किसी ऐसे स्पष्ट कारणों के उसने सब कुछ बदल दिया, वो बिल्कुल अस्पष्ट रहेगा वो कारण। द डिटेल्स ऑफ द डेथ ऑफ नेताजी विल रिमेन ऑब्स्क्योर, या नेताजी से मतलब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई, जो उनका निधन हुआ, वह हमेशा अस्पष्ट रहेगा, उसके बारे में कभी कभी साफ पिक्चर आएगी ही नहीं, आज भी लोग वो गुमनामी में ही है, उनकी डेथ का रहस्य कोई नहीं जानता। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉर सम ऑब्स्क्योर रीजंस शी रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, कि कुछ गुमनाम कारणों के कारण, जो अस्पष्ट कारणों से उसने जो है वो ऑफिस से रिजाइन कर दिया, नाउन है इसका ऑब्स्क्यूरिटी। जैसे सेंटेंस है आफ्टर अ डेब्यू फिल्म, देखिए डेब्यू, पहली बात तो इसमें प्रोनंसिएशन ध्यान दीजिए, अगर
स्पेलिंग के आधार पर करेंगे तो इसको डेबट बोल देंगे या डेबुट बोल देंगे, बट यह है डेव्यू, डेव्यू। सो डेव्यू का मतलब होता है पहली बार कोई काम के अंदर अपीयर होना। सो आफ्टर अ डेव्यू फिल्म शी डिसअपीयर्ड और फेडेड इनटू ऑब्स्क्योरिटी, कि जो उसकी पहली पिक्चर है उसके बाद वो पूरी तरह से गुमनाम की जिंदगी में चली गई। शी डिसअपीयर्ड, गायब हो गई, या फेडेड किसमें, इनटू ऑब्स्क्योरिटी, गुमनामी की दुनिया में चली गई। ठीक, तो ये था ऑब्स्क्योर, काफी अच्छा शब्द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला शब्द है क्रिप्टिक, अच्छा शब्द है, एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, आप में से अधिकांश लोगों ने पहली बार सुना होगा, कठिन तो है, मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए सबके मीनिंग लगभग वही डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आ रहा है, सिमिलर वर्ड, और मिस्टीरियस भी आ रहा है, रहस्यमय है, गूढ़ है, गुप्त है। सेंटेंस देखिए, दिस बुक ऑफर्स क्रिप्टिक प्रिडिक्शंस दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। मीनिंग देखिए, ये पुस्तक कुछ बहुत ही रहस्यमय भविष्यवाणी ऑफर करती है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी क्या है, क्रिप्टिक है, रहस्यमय है, ये कौन ऑफर करता है, ये बुक, क्लियर। और ये जो प्रिडिक्शन दैट कैन बी इंटरप्रेटेड, यानी इंटरप्रेट का मतलब उनके कई मायने, कई मीनिंग निकाले जा सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये बुक ऐसे क्रिप्टिक यानी रहस्यमय भविष्यवाणी ऑफर करती है जिनको लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग उसके मीनिंग निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, हर डायरी कंटेंस मैनी क्रिप्टिक मैसेजेस एंड रिमार्क्स अबाउट हर ऑफिस, कि उसकी डायरी के अंदर उसके ऑफिस से संबंधित बहुत से रहस्यमय मैसेज और रिमार्क्स उसके अंदर हैं। और लास्ट सेंटेंस है, हिज एक्स वाइफ गेव ए क्रिप्टिक स्माइल ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट, कि उसकी पूर्व पत्नी ने उसको बहुत ही रहस्यमय मुस्कान दी कोर्ट के अंदर जब प्रोसीडिंग चल रही थी तब। तो कुछ लोगों की मुस्कान भी क्रिप्टिक हो सकती है, हो सकता है उसके पीछे इस तरीके के इरादे हों जो आप समझ नहीं सकते हो, तो क्रिप्टिक स्माइल भी हो सकती है। आप शब्दों को, मैं फिर इस बात को कह दूं, अकेले शब्द को याद रखना मुश्किल होता है, या तो उस शब्द से शब्द समूह बनाए, जैसे इसमें कौन कौन से शब्द समूह बने, अब देखिए तीन शब्द समूह देखिए, क्रिप्टिक प्रिडिक्शंस बहुत ही रहस्यमयी भविष्यवाणियां, क्रिप्टिक मैसेज एंड रिमार्क्स बहुत ही रहस्यमय मैसेज और कॉमेंट्स एंड रिमार्क्स, क्रिप्टिक स्माइल बहुत ही रहस्यमय मुस्कुराहट, और कुछ डिक्शनरी से इसके बहुत अच्छे वर्ड कॉम्बिनेशन और मिल सकते हैं, क्लियर। ये सभी शब्द मिस्टीरियस से रिलेटेड मैंने आपको दिए, जो समझने में बहुत मुश्किल है, जो गूढ़ है, जो रहस्यमय है, जो जटिल है। कुछ एग्जैक्ट सिनोनिम है, तो कुछ नियर सिमिलर वर्ड है, कुछ शब्द उनसे मिलते जुलते शब्द हैं, यूज का कॉन्टेक्स्ट संदर्भ अलग हो सकता है, क्लियर। लेकिन ये जरूर है कि जो भी शब्द मैंने अभी आपको बताए हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मिस्टीरियस, अकल्ट, आर्कैन, इम्पेनिट्रेबल तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी पूछा गया है, रेकंडाइट, एनिग्मेटिक, ऑब्स्क्योर, एब्स्ट्रूज, क्रिप्टिक, एसेटेरिक, सभी शब्द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन कोर्स में आपको इनकी सभी की पीडीएफ मिलती है, या फिर आप जो हमारी युवाम की हाई लेवल वॉकैब की किताब है इसको भी खरीद सकते हैं, इसमें अल्फाबेटिकली अधिकांश शब्द दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।